पाठक जी, आपने शिव कुमार कौशिक जी को सम्मानित किया है, मैं जान सकता हूँ किस लिए? ये बलिया के एक अमित धरोहर रहे हैं, जो बलिया के साहित्य से लेकर के ठीक है बताइए बताइए बलिया के इतिहास, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और आज़ादी के पहले से भी बलिया का इतिहास इन्होंने जो संकलित किया है मेहनत करके, और आज के युग में बलिया के हम लोगों के ये अमित धरोहर हैं, लगातार बलिया के बारे में अध्ययन करने का, बलिया के भौगोलिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में इन्होंने हमेशा अध्ययन किया है और हमेशा आगे भी करते रह रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र हैं और इसलिए मैं इनका आज अभिनंदन किया। और भी लोगों को सम्मानित करना है क्या आपको? जो इस तरह के लोग मिलेंगे बलिया में, सूची तैयार हो गई होगी, उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। नहीं, पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से? नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मैं इनसे बहुत दिनों से प्रभावित हूँ। मैं इनके फेसबुक पे जो इनकी लेखनी है, उस लेखनी से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। आज सम्मान पाके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई, सम्मान अपनी बड़ाई किसी बुरी लगती है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये बलिया के लोगों का या जो बलिया के प्रवासी लोग हैं उनका स्नेह है और आशीर्वाद है। मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, ये हमारा कर्तव्य है कि जो जन्मभूमि है उसके लिए हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए, अभी कृष्ण बिहारी मिश्र जी, अमरकांत जी, लेकिन सब लोग जिसको बड़ा आदमी बनना हो, पैसे कमाना हो, तो वो दिल्ली जाके बच जाए। साहित्यकारों के लिए साहित्य में उछालने, अपने को ऊँचा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए दिल्ली जाके बच जाए। आज भी लोग जाके कर रहे हैं, लेकिन मैंने तय किया कि मैं बलिया में रह करके और बलिया के लिए काम करूंगा। मुझे तो लंदन के लिए अवसर मिला था, श्याम भाटिया आए थे तो उन्होंने कहा कि आप लंदन चल के रहिए, जो 42 का इतिहास है वो लिखिए। मैंने कहा कि मैं बलिया रहूंगा और बलिया में ही मरूंगा।